हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ राहुल पहलवानी। कल हमने पहला लेक्चर रिकॉर्ड किए फोर यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन पे, और पहला टाइम हमने पढ़ना शुरू किया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने अभी तक के एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था कल, वो किताबी भाषा फॉर्म में था, dy बाई डी एक्स प्लस py इक्वल टू क्यू, रेडीमेड फॉर्म में था वो। लेकिन आज का जो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है, ये आपका किताबी भाषा फॉर्म में नहीं, तो मैंने आरपीसीसी भाषा में एक सिंपल भाषा में एक सरल भाषा में नोट लिख के दी थी आपको कल। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहला वीडियो में आप नोट देख लो। नोट में आपको बताया गया था कि अगर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, पहले तो जिसमें भी dy / dx होता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और ये सबको पता होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर सिंगल टर्म ऑफ y प्रेजेंट है एट सिंगल प्लेस, अगर एक अकेले y की टर्म प्रेजेंट है अकेली जगह पे और अकेली पावर में, एक नजर में आप समझ सकते हैं वो गणित लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे ही मैंने गौर से देखा, मेरे को सिंगल टर्म ऑफ y दिखी एट सिंगल प्लेस एट सिंगल पावर, तो मैं एक नजर में समझ गया वो गणित लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन आपको पहले उसको मैंने स्टेप्स का लिख के दी थी, और पहली स्टेप बोला था आइडेंटिफाई करो और फिर उसको सिंपलीफाई करो dy / dx plus py equal to q form। तो शुरुआत करेंगे, हर गणित की शुरुआत होती है गिवन डिफरेंशियल, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज प्रॉब्लम जैसा आहे तसा। तो प्रॉब्लम वैसे का वैसा, जैसे ही मेरे को सिंगल टर्म ऑफ y दिख रही है एट सिंगल प्लेस एट सिंगल पावर, तो एक नजर में मैं समझ गया वो लीनियर का प्रॉब्लम। लेकिन सबसे पहले उसको फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहली स्टेप मैं क्या करूंगा, ये साइन x को उधर ले जाऊं, तो ये प्लस की टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो cos x dy / dx प्लस y, ये प्लस साइन x उधर जाके माइनस साइन x, एक से ज्यादा टर्म हो गई, ब्रैकेट देना जरूरी है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो सबको ही पता है, dy / dx प्लस py इक्वल्स टू q। ये dy / dx हमेशा अकेला रहता, इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहता, इसको बाजू में किसी का साथ पसंद नहीं, तो पूरे गांव को cos x के साथ डिवाइड करो, तो डिवाइड बाय cos x टू बोथ साइड, तो cos x से पूरे गांव को हम डिवाइड करेंगे, तो ये dy / dx इसको cos x से डिवाइड किया तो y / cos x, और ये 1 माइनस sin x / cos x। अब सबको पता है कल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लिख के दिया था, 1 / cos थीटा बोले तो sec थीटा, तो dy / dx plus y sec x, अब इसको a माइनस b / 2, तो a / 2 1 / cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो 1 / cos x होता है आपका sec x, तो 1 / cos x हो जाएगा आपका sec x, और साइन एक्स अपॉन cos x बोले तो tan x, तो ये dy / dx plus py equal to q फॉर्म में आ गया, where p and q are the function of x। तो अब हम बोल सकते हैं हमने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिखना जरूरी है नहीं तो मार्क्स कटेंगे, hence it is a linear differential equation। अब पहचानने के बाद इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, कंपेयर विद जनरल फॉर्म, सभी लोगों को जनरल फॉर्म पता है, dy / dx प्लस py इक्वल्स टू q, तो जो y के बाजू में रहता है उसे p कहते हैं, तो y के बाजू में आपको sec x दिखते हैं, तो p की वैल्यू sec x, और जो राइट हैंड साइड में है वो q है, q की वैल्यू है sec x माइनस tan x। तो सेकंड स्टेप हो गई हमारी, पहली स्टेप थी आइडेंटिफाई एंड सिंपलीफाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू द फॉर्म dy / dx plus py equals to q।
सेकंड स्टेप कंपेयर करके p और q की वैल्यू निकालो। थर्ड स्टेप है im इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो p का फार्मूला p की वैल्यू है sec x और कल 6 और ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन मैंने आपको याद कराए थे। तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x + tan x। तो log ऑफ sec x + tan x e और log एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहते हैं, जब भी आपस में है तो काट डालते। तो यहां पे आपका IF आ जाएगा sec x + tan x। तो ये IF की वैल्यू आ चुकी है, ये भी राइट हो गया। तो आपको दो मार्क मिलेंगे, स्टेप मार्किंग रहती है। अब हर प्रॉब्लम का रहता है सॉल्यूशन, हर तकलीफ का रहता है इलाज। चौथी स्टेप लिख के दी थी, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला सबको याद होगा, y into im is equals to integral of q into im dx plus c। यहां पे im की वैल्यू रख देंगे आप, अभी ये ताजा ताजा निकाले, sec x plus tan x, q हमको पता है sec x minus tan x, im है sec x प्लस tan x dx प्लस c। फिर सब लोगों को फॉर्मूला पता है a माइनस b a प्लस b। तो a माइनस b a प्लस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सभी लोगों को पता है ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की वैल्यू sec x है तो sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर। सबको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है वन। और वन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वही रहता है जिससे करते रहते, तो वन डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। तो वन डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स और ये प्लस का एक्स इधर आके हो जाएगा माइनस एक्स। और ये हमारा फाइनल आंसर है विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उम्मीद है ये गणित समझ में आया होगा। इस गणित में पहली स्टेप बहुत खास थी, ये प्लस साइन एक्स इधर ले जाओ माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स से डिवाइड करके हमने इसको जनरल फॉर्म में बताया। आज हमारा प्रॉब्लम जनरल फॉर्म में नहीं था तो हमने उसको बेसिक मैथमेटिक्स करके बनाया। सेकंड स्टेप कंपेयर करके पी और क्यू निकाल, थर्ड स्टेप आई एफ निकाला उसके फॉर्मूले से, और चौथी स्टेप जनरल सॉल्यूशन से हमने उसका आंसर निकाला। अब जो नेक्स्ट गणित है वो इससे भी ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और वो लास्ट एग्जाम में भी आया लेटेस्ट पेपर में। ऐसे प्रकार के गणित आप उम्मीद कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जो अब लेंगे, वो बहुत ही इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। वन प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई dx। अब ये गणित इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम भी पेपर में आया था विंटर 19 में। अब इस गणित को आप समझेंगे, एक नजर में आप पहचान सकते हैं यूनिवर्सिटी के पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, सिर्फ आपको एक ही चीज देखनी है, बस एक ही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ओनली सिंगल टर्म ऑफ y इज प्रेजेंट एट सिंगल पावर एट सिंगल प्लेस। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही y की टर्म रहेगी, एक ही जगह पे रहेगी और एक ही पावर की रहेगी, ना वहां पे y स्क्वायर आएगा ना रूट y आएगा ना y क्यूब आएगा। ये बात आप समझ लें, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज प्रॉब्लम जैसा है तसा प्रॉब्लम, वैसे का वैसा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी टाइप का हो सबसे पहले वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब जैसे ही मेरे को सिंगल टर्म y की दिख गई है, मैं एक नजर में समझ गया हूं ये गणित लीनियर का है, तो अब इसको फॉर्म में बनाएंगे, तो ये न्यूमरेटर का dx इधर आके डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा dy / dx, और ये भी न्यूमरेटर की टर्म आपकी इधर चले जाएंगे, तो tan इनवर्स x - y, ये न्यूमरेटर की टर्म इधर जाके डिनोमिनेटर में, ये हो गई आपकी फर्स्ट, ठीक है। अब इसको आप ये फॉर्मूला लगाओ, बचपन में भाई ने सिखाया आपको, a माइनस बी बाई टू, a बाई टू माइनस बी बाई टू, ये सबको फॉर्मूला पता है, तो a माइनस बी बाई टू, तो a बाई टू माइनस बी बाई टू, तो dy बाई dx tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस y अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस की टर्म इधर आके प्लस हो जाएंगी, तो dy by dx plus y upon 1 plus x square is equals to tan inverse x upon 1 plus x square। अब आप देख सकते हैं ये dy by dx plus py equal to q form में आ चुका है, अब आप खुशी मना सकते हैं, पहचान लिख सकते हैं, पहचान लिखना जरूरी है बहुत, hence it is an linear differential equation। नाचो गाओ खुशी मनाओ, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने पहचान लिया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का गणित है, क्योंकि हर गणित को आपको पहचान पहचान के सॉल्व करना पड़ता है। अब उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, y के बाजू में जो भी रहता है उसको हम p कहते हैं, तो आप देख सकते हैं y के बाजू में है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट योर p, और राइट हैंड साइड में जो रहता है वो q रहता है, तो q की वैल्यू है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो गई आपका सेकंड स्टेप, आपने जनरल फॉर्म से कंपेयर किया और p और q की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। अब थर्ड स्टेप, if निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका फार्मूला है e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, p बोले तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। सब लोगों ने आपने tan इनवर्स x का डेरिवेटिव सीखा है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, बराबर डेरिवेटिव की रिवर्स मैकेनिज्म रहती नागोबा इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव इक्वल टू के उधर जाके इंटीग्रेशन हो जाता है, अगर आपको डेरिवेटिव याद है तो आप उसके ऊपर से अपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना सकते हो, नहीं तो इंटीग्रेशन का ये रेडीमेड फॉर्मूला है आपको याद रखना पड़ेगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x, तो जरूरी नहीं है हर आंसर में यहां पे लॉग आएंगे, कल मैंने जैसे ये चार गणित होमवर्क को दिए थे तो कुछ लोगों ने यहां पे लॉग लिखे, लॉग हर इसमें नहीं आएगा, ये हमारे स्टूडेंट्स लोग रट्टा मारने की लर्न करने की आदत रखते नहीं, तो यहां पे सिर्फ tan इनवर्स x आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, अब e कहीं नहीं जाएगा, कुछ लोगों ने tan इनवर्स x मेरे को लिख के आंसर भेजे जो कि गलत सोच है, तो आपका आई ए बनेगा e टू द पावर tan इनवर्स x। अब जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये फार्मूला सबको पता है, y into if is equals to integral of q into if dx plus c, ये जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला है हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, if आपने अभी ताजा-ताजा निकाले tan इनवर्स x e टू दी पावर tan इनवर्स x आई एफ निकाले आपने, q की वैल्यू है आपके पास tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर e टू दी पावर tan इनवर्स x dx प्लस c। अब यहां पे आके हमारे स्टूडेंट्स की गाड़ी अटक जाती है, क्योंकि मेन दिक्कत इंटीग्रेशन भी है, इसीलिए मैंने कल पहले दिन कहा था इस लेसन में एक तो आपको टाइप पहचानना है, दूसरा आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब इंटीग्रेशन के लिए एक मिनट बात करूंगा मैं, जो लोग जानकार लोग हैं जिनको इंटीग्रेशन का नॉलेज है, आप कोई भी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो प्रॉब्लम जो है वो तीन रास्तों में डिवाइड होता है, एक है पहला रास्ता इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जब इस प्रकार के फैक्टर्स आते हैं तो आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से फैक्टर को सेपरेट करते हैं और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाते हैं, जो कि इस समय यहाँ पे ऐसे कोई हालत नहीं हमारे साथ। दूसरी रहती बाय पार्ट, मल्टीप्लीकेशन में दो टर्म है,
इंटीग्रेशन करने का इरादा है, बाईपार्ट्स लगाना जरूरी, लेकिन वो जो दो टर्म्स रहेगी उसमें एक टर्म आपकी नॉन कंटिन्यूस रहेंगी, मतलब जिसका डेरिवेटिव जीरो आ सकता है एक्स एक्स स्क्वायर, और एक टर्म कंटिन्यूस रहेंगी जिसका बाप जन्म में डेरिवेटिव जीरो नहीं आता। तो ऐसे चीजों को आप बायपार्ट लगा सकते। उसके अलावा तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कब लगता है? जब किसी का डेरिवेटिव प्रेजेंट रहता है, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे कॉस एक्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते, साइन एक्स में पुट करते टी कॉस एक्स डीएक्स में डीटी, ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी। तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको 1/1+x² दिख रहा है, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अप्लाई करना। ओके, अब यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास प्रेजेंट है 1/1+x², तो यहाँ पे पुट करो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। आप एक्स वेरिएबल को टी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डीएक्स को भी डीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये रूल है, क्योंकि एक्स वेरिएबल को डीएक्स से इंटीग्रेशन करते हैं, टी को डीटी से, वाई को टी वाई से। तो इसका डेरिवेटिव लीजिए, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1+x² dx इक्वल्स टू dt। ये सब्स्टिट्यूशन आपको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, tan इनवर्स x में आप पुट कर दीजिए t, सिर्फ राइट हैंड साइड में, नॉट इन लेफ्ट हैंड साइड, कीप लेफ्ट साइड एज इट इज। राइट साइड में जहां जहां आपको tan इनवर्स x दिखता है वहां t रख दीजिए, तो ये e टू द पावर t, ये भी tan इनवर्स x में रख दीजिए t, और ये 1/1+x² dx में रख दीजिए dt। अब मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म है, ये t नॉन कंटीन्यूअस है, अलजेब्रिक है, जैसे x का एक डेरिवेटिव 1 होता है वैसे t का एक डेरिवेटिव 1 होता है, आगे 1 का डेरिवेटिव 0, मतलब बायपार्ट स्टॉप होता है। अब यहाँ पे आप बायपार्ट लगा सकते, सभी लोगों को बायपार्ट पता होगा, नहीं तो मैं बता देता। मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म है, इंटीग्रेशन करने का इरादा है, बायपार्ट्स लगाना जरूरी है। जब भी हम बायपार्ट्स लगाते हैं एक से ज्यादा टर्म आती है, ब्रैकेट देना जरूरी है। क्या बोलता बायपार्ट? पहली टर्म वैसे की वैसी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस 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 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। क्या बोला? पहली टर्म वैसे की वैसी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस 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 इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। लायर्ड रूल से आपको डिसाइड करना पड़ता है फर्स्ट टर्म कौन थी सेकंड टर्म कौन सी। हेल्प और लॉ नंबर वन फर्स्ट प्रायोरिटी रहती, भगवान गॉड फादर। सेकंड प्रायोरिटी इनवर्स की रहती, टैन इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। थर्ड प्रायोरिटी अलजेब्रिक की रहती, एक्स टी एक्स स्क्वायर। चौथी प्रायोरिटी ट्रिग्नोमेट्री की रहती और पांचवी प्रायोरिटी एक्सपोनेंशियल की रहती। सबसे गया गुजरा रहता आपका एक्सपोनेंशियल। जब भी आपको एक्सपोनेंशियल दिखता है इतनी नफरत करो, आप उसको सेकंड टर्म दे दो और बाजू में जो भी है उसको फर्स्ट टर्म दे दो, बिल्कुल आग बंद कर दे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से गया गुजरा आज तक पैदा नहीं होता। तो आप एक्सपोनेंशियल को सेकंड टर्म लेंगे और अलजेब्रिक वाली टी अलजेब्रिक है तो फर्स्ट टर्म लेंगे। अब ये बायपार्ट आपको लगाना है, पहले आपको याद करना पड़ेगा तभी आप लगा सकेंगे। पहली टर्म वैसे की वैसी मंजे ये टी वैसे का वैसा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी माइनस 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 इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज 1, जैसे एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर। और ये प्लस सी लिखना ना भूले, बहुत लोगों ने जिन्होंने आंसर भेजा प्लस सी नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब वाई इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स ये एज इट इज रहेगा। अब टी इंटू ई टू दी पावर टी 1 इंटू हनी सिंह हनी सिंह 1 इंटू ई टू दी पावर टी ई टू दी पावर टी ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी है। सबको पता है e टू दी पावर टी का डेरिवेटिव e टू दी पावर टी रहता, e टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर टी रहता।
अब इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया है तो आप उधारी वापस करो, जिस काम के लिए हमने ये उधारी ली थी वो काम हो चुका है, अब आप वापस t के जगह tan inverse x रखो। तो जहां जहां आपको t लिखते हैं वहां पे आपको tan inverse x रखने हैं। क्या ये t है? हाँ, तो यहां पे tan inverse x रख दो, इधर भी t में tan inverse x रख दो, इधर भी t में tan inverse x रख दो, प्लस c। अब e टू दी पावर tan inverse x इधर भी है इधर भी है, इसको कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको t टू दी पावर tan inverse x को कॉमन लिया तो ये बचेगा tan inverse x, इसका कोएफिशिएंट माइनस वन प्लस थ्री। अब ये प्लस की टर्म इधर ले गया, ये प्लस की टर्म इधर आके माइनस, ये आपका फाइनल आंसर है। कहने का मतलब यहां पे आपको इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी पड़ेगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पॉज करके दो तीन बार देखो, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 9 बजे तक और डिफिकल्टीज अपनी करेज कर सकते हैं। आज के दोनों गणित बहुत अच्छे लेवल के थे, अगर ये दो गणित आपको समझ में आते हैं तो आगे आपको कोई भी गणित इजी भी जम जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डिफिकल्टी है तो पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए आगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर हम नेक्स्ट टाइप कवर करेंगे। उम्मीद है ये गणित आपको समझ में आया। थैंक यू।